लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए गोरखपुर एवं बांसगांव संसदीय क्षेत्र के पीठासीन अधिकारियों एवं प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में 3 पालियों में दिया गया, जिसमें निर्वाचन प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत रूप से प्रोजेक्टर के द्वारा जानकारी दी गई, जिससे रेंडमाइजेशन से लेकर पोलिंग स्टेशन की कार्रवाई की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मंडलायुक्त जैन नालीकर जय नारायण सिंह, जिला निर्वाचन अधिकारी के विजयन पांडे ने प्रशिक्षण ले रहे लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं सकुशल संपन्न कराने में पोलिंग पार्टियों का विशेष योगदान होता है। यदि आप लोग अपने कामों का बेहतर तरीके से प्रदर्शन करेंगे तो चुनाव के दिन आसानी से कार्यों को पूरा कर सकेंगे। इस मौके पर CDO अनुज सिंह, GDA VC अमित सिंह बंसल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आज दिनांक 19/5/2019 को सुबह 6 बजे से हमारी पूरी पोलिंग पार्टी संख्या 372 इस 149 प्राथमिक विद्यालय रावत पाठशाला 14 नंबर 1 पोलिंग पार्टी हमारी मतदान कराने के लिए आई हुई है। हम मतदान कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करने जा रहे हैं। जो मतदान कार्यकर्ता आए हुए प्रारूप 10 बजे करके वो एक एक करके मेरे पास आ जाए ताकि मैं उनको अभिकर्ता नियुक्त कर सकूं। प्रारंभ 10 एक मतदान अभिकर्ता का आ गया है और इस पर ये सूचनाएं दर्ज होती हैं कि किस प्रत्याशी के मतदान अभिकर्ता है, उस प्रत्याशी द्वारा इस फार्मेट को भर करके और उनके द्वारा साइन करके दिया गया होता है। इनको 83 नंबर 1 के पक्ष में मतदान अभिकर्ता मेरे द्वारा नियुक्त किया जाता है और आप जाकर के अपने जगह लेकर के भी बैठ जाए, आप अपने जगह जाकर के बैठ जाए। 5वें भी आ गए हैं, वो भी मैं नियुक्ति पत्र जारी कर दिया। और VVPAT में देखिए, इसको खोलने का सबसे आसान तरीका, इसमें लैचेज लगे हैं, 2 फ्रंट पे लगे हैं, इनको यूं खोलिए और 2 साइड में लैचेज लगे होते हैं, खोल करके इस कवर को बिल्कुल ऐसे पकड़े। एक केबल लगी हुई है जो इसका एक एंड बिल्कुल इससे फेस है और दूसरा एक लाल और काले रंग के प्लग के साथ फ्री है। BU1 अगर एक बैलेट यूनिट आपके बोर्ड पर इस्तेमाल हो रही है तो उस BU1 का ये प्लग जो है इस VVPAT के पीछे बने कंपार्टमेंट में लाल को लाल की तरफ मैच कराते हुए और उस सॉकेट में भेज देंगे, लाल और काला बना हुआ है, ये इसमें बिल्कुल इंटैक्ट लग गया है। अब जो VVPAT की केबल है उस VVPAT के केबल को CU से जोड़ना होता है तो CU के पीछे जाएंगे और यहाँ में एक उसी तरह का लाल और काला करके इसमें पोर्ट बना हुआ है, लाल को लाल की तरफ मैच कराते हुए ऐसे ले जाएंगे, लाइन किए और इसको दबा दिया, ये इसमें बिल्कुल इंटैक्ट लग गया है। यहाँ पे काला नाप लगा हुआ है जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होगा जब VVPAT को हम लोग इसके कैरेज गेज से निकालते हैं, इसे काम लेने से पहले इसे वर्टिकल कर देना है। पीछे एक टॉगल स्विच है, इस टॉगल स्विच से ही पूरा सिस्टम हमारा ऑन होता है। ऑन करने पर इसे 7 सिलेक्ट करके गिरती है जो नॉट टू बी काउंटेड होती है, अर्थात उसको किसी भी मतगणना के में गिना नहीं जाना है। जैसा अभी इन्होंने बताया होगा कि शुरू में जो मॉक करते हैं, कहते हैं पोल, मॉक पोल के समय अगर आपने क्लियर लास्ट में नहीं किया, एक नहीं 4 बार आप प्रैक्टिस करिए, हैंड ऑन प्रैक्टिस करिए। ये जो अभी बता रहे हैं बताने से ज्यादा कहते हैं जब खुद करेंगे कहते हैं तब उसका आपकी अपना कहते हैं कॉन्फिडेंस तभी से आता है। कई बार ये महसूस किया गया कि जब कभी कहते हैं जो हम मॉक पोल करते हैं उसको आप छोड़ देते हैं, कुछ देर बाद शिकायत होती है कि कोई वापस होने का कोई प्रक्रिया नहीं है। जब एक बार प्रक्रिया शुरू हो गई तो रिपोर्ट का सबसे बड़ा कारण यही होता है। अभी मैंने अपनी अपने जो पुलिस अधिकारी हैं मुझसे भी अपनी पूछा, अभी इसकी ट्रेनिंग हमारे पुलिस अधिकारियों की भी हम करा रहे हैं क्योंकि कभी कोई दिक्कत होती है ऐसा बूथ के अंदर तो हमें अलाउड नहीं है, लेकिन
कई चीजें ऐसी होती, दिक्कत होती है, बाहर आकर के जो है अगर कोई जानकार अधिकारी है तो उससे भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसको बार बार इसकी आप प्रैक्टिस करके, अब मैं जब मैं अपना सीडीओ साहब और सभी अधिकारी आए हैं आज हम यहाँ स्टाम्प रूम देखने आए हैं, आपसे मेरा इस रूप में इस बार आप लोगों के इतनी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं कि हर जगह सशस्त्र कर्मचारी उपलब्ध करा रहे हैं, तो लॉ ऑर्डर के रूप में आप निश्चित रहिए, वहां से कहते हैं पर्याप्त पुलिस बल रहेगा आपके लिए, पूरा सपोर्टिंग पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा। इसके साथ साथ एक चीज और बताना चाह रहे हैं कि हमारा इस बार बूथों पे बिजली की व्यवस्था भी, क्योंकि हम लोग भी यही आसपास के ग्रामीण अंचल से रहने वाले हैं, सबसे बड़ी समस्या है रहती थी पंखे नहीं होते थे, इस बार आपको जब जानकारी दी गई होगी हर स्कूल में हर 25-25 हजार रुपए दिए गए हैं, बिजली के साथ साथ पंखे की व्यवस्था भी वहाँ पूर्ति की जा रही है, ये जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा क्योंकि सुबह से लेकर शाम को आप वहाँ पहुँच जाते हैं बिजली रहने से आपको काफी सहूलियत मिलेगी। इसके अलावा मीडिया के लोग भी हैं लेकिन इसमें बताने में कोई दिक्कत नहीं है, अब स्कूलों में रसोईयां से लेकर के इनकी व्यवस्था कर दी गई है, खाने की व्यवस्था इस बार आप मेरा इंस्ट्रक्शन है बीएसपी साहब को बताया गया और आज उन्होंने मीटिंग में बता दिया है, आप लोग भी संयुक्त रूप से अपना जो हमारे पुलिसकर्मी हैं और आप लोग भी रहने जाते हैं तो जो रसोईयां हैं जो स्कूल में है वो उपलब्ध रहेंगे, बर्तन भी उपलब्ध है, आप उन्हीं को सभी लोग अपना दोनों बेटी का पहले से पैसा उपलब्ध करा दीजिएगा, सबको दिया जा रहा है जिसे खाना वहीं बनेगा, ये एक बड़ी समस्या आपकी होती थी करते हैं, इसका भी समाधान इस बार हमने कर दिया है, पिछले कुछ चुनाव में दिक्कत नहीं हो गई है, सभी लोग बसों से जाएंगे, पहले जो पुराने लोग होंगे उनके दिक्कत होती थी कि साहब जो है पुलिस वाले आगे आगे ट्रक में बैठ जाते थे आपको पीछे बैठना था, ये समस्या का समाधान हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने समय के हिसाब से कर लिया है, तो बसें सब उपलब्ध रहेगी, खाने की भी व्यवस्था आप लोग आपस में जितने पुलिसकर्मी है सभी लोग हैं वहाँ जो लेखपाल हैं टोकन जो भी एक खर्च आता 50-50 रुपया उसको आप अपना गेहूँ चावल दावत जो भी करना है, इस बार रसोइयों को इंस्ट्रक्शन है कि अपने बर्तन के साथ और वहाँ और जो हेल्पिंग लोग हैं जो सरकारी कर्मचारी हैं वो वहाँ पर आज कमिश्नर साहब ने डीएम साहब ने बता दिया वहाँ उपलब्ध रहेंगे, वो सभी लोग आपको सहयोग करेंगे, वो लोग अपना वोट करेंगे लेकिन उसके साथ साथ आपके लिए जो सपोर्टिंग हैंड रहेंगे। और ये बहुत ही सेंसिटिव चीज है, आप एक बार यहाँ से जब इसको ले लेंगे उस दिन 18 मई को, इसके बाद जब तक इसमें पोल ना हो जाए और पोल होने के बाद में जब तक आप जमा ना करें जो आपका रूट चार्ट है सभी लोग एक साथ जाएंगे और एक साथ वापस आएंगे, ये टीम एक साथ रहनी चाहिए, इसमें ये नहीं है कि दो लोग कहीं और चले गए दो लोग कहीं और चले गए या कोई एक आदमी चाय पीने बैठ गया, एक साथ चाहिए और एक साथ आइए, इसमें कोई भी आप चिंता ना करते क्योंकि इसमें बहुत कठोर कार्रवाई आपके अगेंस्ट हो सकती है। नंबर दो बता केंद्र जो आपका है वहां पर आप हमने कोशिश की है और जिला निर्वाचन अधिकारी के नेतृत्व में उनकी टीम भी लगी हुई है कि एक हम ऐसा वातावरण का सृजन करें जिसमें मतदाता 19 मई को निष्पक्ष रूप से निर्भीक होकर मतदान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके और उसमें आपका जो योगदान है वो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, जब आप 18 तारीख को जाते हैं तो आप किससे बात करते हैं, किससे चाय पीते हैं, किसके साथ खाना खाते हैं, किससे हंस के बात करते हैं, इसमें भी तटस्थता रखनी है, आपको ट्रेनिंग में बताया गया होगा, मैं आपको बता दूं आप किसी भी पद पर हो आप कहीं भी काम करते हो जब आप इतने महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं आप निर्वाचन आयोग को रिप्रेजेंट करते हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी मानसिकता उस लेवल की होनी चाहिए कि आप अपने डीएम साहब की तरफ से और माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जाके इस महत्वपूर्ण कार्य को संपादित करें।